देश अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इन 77 सालों में हमने आज़ादी की लड़ाई के बाद भारत को बनते देखा है, गौरवशाली भारत को देखा, और इस भारत को हमने एक होते हुए भी देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं कि लगातार हमारे नेतृत्व की निर्णय शक्ति और निर्णय में समाहित होने के सब चीज़ों को समाहित होने के कारण से विश्व के पटल के ऊपर भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में निकल कर के आया है। सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण पिछले में देखने को मिला है। हम क्या सामाजिक सुरक्षा की नीतियां भी नीचे तक गई हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, विदेश नीति, ये भी भारत को एक विश्व के पटल पर ले जाने का काम कर रही है। आर्थिक स्थिति में भी हम दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। ये सारा श्रेय जामुन आनाम शहीदों को जाता है जिनके कारण आज़ादी मिली, उन सैनिकों को और उन फौजियों को जाता है जिन्होंने अपने प्राणों को नौछावर करके भारत की सुरक्षा को बनाए रखा, ऐसे सब समाज में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जाता है जिन्होंने भारत को निर्मित करने का काम किया, और सबसे ज़्यादा इस भारत में जन्म लेने वाले हर भारतीय को जिसने भारत के उच्च मानदंडों को बनाए हुए भारत के मान को बढ़ाने का काम किया। मैं आप सबको इस 77वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।